उस वर्डिक्ट में वो जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को ये स्वाधीनता है कि किसके साथ उसके यौन रिश्ते रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको अधिकार, मूलभूत अधिकार नहीं है जानवरों के साथ करने के लिए। ये कहना कि ये एक वैकल्पिक जीवन है कि आप, आपका रिश्ते महिलाओं के साथ होगी या महिलाओं और पुरुष के दोनों के साथ हो सकती है या एक विकल्प के रूप में हो सकती है, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मनुष्य पुरुष और महिलाओं की रिश्ते पर ही इस देश की जनसंख्या बढ़ती है, और ये जो है ये एक प्रकार से जो कहते हैं जेनेटिक, माने आपकी जो जो मूल धारा है शरीर का, उसमें कोई ख़राबी है। जैसे मेरे पास 5-6 उंगली होंगे, तो इसके लिए हम किसी के उसको कम आदमी नहीं समझेंगे या कम मनुष्य नहीं समझेंगे, लेकिन वो एक विकृति है, 6 अंगुली नहीं होती है। और इसी प्रकार से आप महिलाओं के साथ आप रिश्ते ही नहीं रखने चाहेंगे, परंतु आपके पुरुष, आप पुरुष होते हुए पुरुष के साथ रखने चाहते हैं, इसको मैं विकृति मानता हूँ, और इस विकृति के लिए उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारे संसार में और हमारे इतिहास में कई ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े पद में रहे हैं, जो संलग्न है, लेकिन उनका जो कामकाज में कोई असर उसका पड़ा नहीं। जजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो हैं, जो मैं जानता हूँ हैं, परंतु उनकी जजमेंट्स तो बहुत टॉप क्लास थी, तो इसीलिए उनके ऐसे लोगों का यानी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उनको नीच नहीं समझना चाहिए। बट ये सामाजिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर, परंतु जहाँ उसको ये कहना कि ये भी होना ठीक है वो भी होना ठीक है, ये मैं नहीं मानता।